बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एपीसी का यूपीएस है, इसमें एक फॉल्ट आ रहा है, वो हम देखते हैं कि वो किस तरह का फॉल्ट है, उसे कैसे रिमूव करना है। मैं इसको देता हूँ इनपुट पावर, ये मैंने दे दी है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन सा फॉल्ट आ रहा है। ये जब मैंने इसको इनपुट दी है तो इस पर यह फॉल्ट आया है। ये अगर आप जो पहले एक वीडियो बनी हुई है फॉल्ट कोड के ऊपर, अगर आप वो देखेंगे तो ये आपको पीएफसी का फॉल्ट है, यानी पीएफसी इसकी वो स्टेज है जहाँ पे ये बस बनाता है, 400 वोल्ट प्लस और माइनस की बस जो बनती है, जो इन्वर्टर पे इस्तेमाल होती है, ये वो वाला फॉल्ट है। सेंटर वाइज लाइट है, इधर से सेंटर वाइज लाइट और ये क्रॉस वाइज लाइट। अब मैं इसकी इनपुट मैंने बंद कर दी है, यहाँ से मैंने बंद कर दिया है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आया बैटरी पे ये सेम फॉल्ट पीएफसी का आता है या नहीं आता। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, अच्छा बैटरी पे नॉर्मल ऑन हो गया, इसका मतलब है कि पीएफसी का फॉल्ट नहीं है। अगर वो इनपुट के ऊपर और बैटरी के ऊपर सेम फॉल्ट आए तो फिर पीएफसी का फॉल्ट है। ये हमने देखना है कि ये फॉल्ट किस चीज़ का है। ये तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है जो अभी आपको मैं बताऊंगा। ये इसकी रिले का फॉल्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि किस रिले का फॉल्ट है। अभी मैं स्विच ऑफ मैंने कर दिया है। अच्छा अभी हम ये देखते हैं कि जो मसला आ रहा है ये पीएफसी का फॉल्ट आ रहा है इनपुट के ऊपर और बैटरियों के ऊपर, ठीक है। इसका आसान सा हल है इसका, इसकी दो रिले हैं, एक ये वाली रिले है और एक ये वाली रिले है, दो रिले हैं। ये लाइन टू बैटरी ट्रांसफर रिले लगी हुई है, इसमें से कोई एक रिले ख़राब है। हम अभी चेक करते हैं कि आया इसका मसला है या उसका मसला है। उसका आसान सा तरीका ये है, अब मीटर ले लें, ये डीसी पे कर लें, मीटर मल्टीमीटर आप डीसी पे कर लें, ठीक है। और इसको आप लगा लें नेगेटिव के ऊपर, बैटरी नेगेटिव, ये लगी बैटरी नेगेटिव के ऊपर। अब हम ये करेंगे कि इसको बैटरी के ऊपर ऑन करेंगे यूपीएस के ऊपर और इसको इनपुट देंगे, और उसके अलावा यहाँ जो बस बन रही है हमारी, ये डायोड हैं, इधर डायोड लगे हुए हैं D716 और D715, ये लगे हुए हैं D716, यहाँ पे पॉजिटिव बस बनती है और यहाँ पे नेगेटिव बस बनती है D715। देखते हैं कि पॉजिटिव ड्रॉप हो रही है ये वाली या नेगेटिव ड्रॉप हो रही है। जो ड्रॉप हो रही है वो हम रिले चेंज कर देंगे तो इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको बैटरी पे ऑन करता हूँ यूपीएस को, ये ऑन हो गया। अब हमारी बस जो है वो हमारी देख चेक करते हैं, -379 है और पॉजिटिव है 383। ये बैटरी के ऊपर है, इनपुट देने के साथ ही चेक करेंगे कि कौन सी बस ड्रॉप हो रही है। ये 379 है, ये ड्रॉप हो रही है, इसकी जो नेगेटिव बस है वो ड्रॉप हो रही है, और पॉजिटिव 382 है, ये फिक्स है। अच्छा 382 जो पॉजिटिव है वो फिक्स है, जो नेगेटिव है वो ड्रॉप हो रही है। 379, 364, ठीक है, ये ड्रॉप हो रही थी नेगेटिव, इसकी ये वाली रिले हम चेंज करेंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। मैं यूपीएस मैंने बंद कर दिया। अच्छा अभी आप मीटर से मैंने आपके सामने चेक किया है, ये पॉजिटिव रिले है, ये नेगेटिव रिले है, हमारी नेगेटिव बस ड्रॉप हो रही है लाइन के ऊपर, इनपुट के ऊपर,
और ये स्टेबल है, इसका मतलब है ये है कि ये इनपुट जो रिले है ये भी हमारी ठीक है, इनका मसला नहीं है। सिर्फ ये रिले चेंज करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। अब मैं बोर्ड को बाहर निकालूंगा, बाहर निकाल के इस रिले को, ये सिर्फ एक रिले मैंने चेंज करनी है, रिले 703 है नेगेटिव वाली, इसको चेंज करेंगे, यूपीएस ओके हो जाएगा। मैंने बैटरी उतार दी है इसकी, इनपुट भी उतार दी है, यूपीएस बंद है अभी, तो रिले हमने चेंज करनी है ये वाली। जैसे हमने पहले डायग्नोज किया था कि इस रिले को हमने चेंज करना है, हमारा इंशाल्लाह पीएफसी वाला मसला हल हो जाएगा। ये रिले है, सबसे पहले आप देख लें इसके जो वोल्टेज हैं, डीसी वोल्ट वो नहीं हूँ, ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ये रिले हमने RY704 ये नेगेटिव की है और RY ये 703 ये है पॉजिटिव की, ये नेगेटिव की हमने चेंज करनी है। वो मैंने चेंज कर दिया इसके, ये आपके सामने मीटर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये करेंगे किसको, बैटरी पे ऑन करेंगे जैसे हम पहले हमने किया था, बैटरी पे हमने ऑन कर लिया इसको, ये नॉर्मल ऑन हो गया है। ये बैटरियों पे पहले भी ऑन हो रहा था और इनपुट के ऊपर ये फॉल्ट पे जा रहा था, पीएफसी फॉल्ट था इसका, नेगेटिव इसकी जो है बस वो ड्रॉप हो रही थी, 379 है, अब स्टेबल है। और जो पॉजिटिव है वो भी स्टेबल है। के ऊपर एसी के ऊपर ऑन कर दिया है, इसको दे दी है हमने 220 वोल्ट और ये बैटरियां टेस्टिंग कर रहा है अभी, अभी ऑनलाइन चला गया है।